दिमाग में अचानक वीडियो देख के ख्याल है इसकी, नहीं महुल अभी बकरी पालन करना चाहिए, सोच के एक तो खरीदे शुरुआत में मई। एक महीना नहीं होते, नहीं होते, क्रॉस का रिजल्ट है देसी के जो अंजोरी बकरी है उस पे एक क्रॉस हुआ है। तो कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि फोन लगात लगात थक जब डॉक्टर नहीं आ पाए। कहां कहां नहीं लगा है पीपीआर का टीका कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। सर, इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की देसी बकरियां, और ये देसी बकरियां हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद जिले के जंगल के क्षेत्र से। और ये जो गांव है ये रायतुम है, और इसका ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक पटेवा। ब्लॉक पटेवा यानी कि गांव रायतुम, ब्लॉक पटेवा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, ये एड्रेस है। और इसमें जबरदस्त देसी की बकरियां हैं, और भाई साहब जो हैं ये बकरी पालते हैं, साथ में वो दादाजी हैं जो बकरी पालते हैं। और इधर देखेंगे तो इधर आपको पूरा जंगल दिखाई देगा, और बलौदा बाजार जिला यहाँ से शुरू हो जाएगा, यही है ना? हाँ, तो भैया आपने कितने साल से पाला था? मोला 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 2 साल से पाला था। उसका नाम है तू? राम प्रसाद दुबे। राम प्रसाद दुबे जी हैं, 2 साल से पाल रहे हैं। तो चलिए उनसे डिटेल समझते हैं कि किस तरीके से देसी बकरियों का पालन वो करते हैं। लेकिन इससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा भैया, तक कैसे शुरू करें? मैं हाँ तो यूट्यूब में देखो भी आप मन के वीडियो देखे हूँ। हाँ, शुरुआत में हाँ, तो धीरे 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 मोला मतलब एकदम ये लग गई वीडियो देखा दियो था। अच्छा, मोला भी ऐसे करना चाहिए इसे बोल के। अच्छा, तो घर वाला मन बोले हूँ तो घर वाला मन बोलते कि ये सब चीज काम अच्छा नहीं है। हाँ, तो लड़का कुछ काम कर ले। हाँ, तो मैं कह कि मोला करना है तो यही काम करना है, अब कहीं काम नहीं करना है। हाँ, तो फिर सोच के एक ठो खरीदे शुरुआत में मई, ओकर बाद 2-3 ठो करके 16-17 ठो रही मोर पास। ठीक है, फिर जैसे बच्चा हो गई तो बच्चा मन हाँ 1 ठो 2 ठो ऐसने करके खत्म हो गए, मतलब वही 14-15 ठो पूरा खत्म ही हो गए। अच्छा, खरीद खरीद के फिर लाद गया। अच्छा, फिर उतने करे तो अभी के डेट में मोर पास है 34 ठो। 34 ठो जी। के साल हो गए करत के? मोला 2 साल जी। 2 साल हो गए जी। अच्छा, और ये हमारे दर्शक हैं और बहुत वक्त से हमें बुला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गांव है वो पटेवा से कट के आना पड़ता है, झलप से कट के आना पड़ता है जंगल के तरफ पे, तो हम पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन हम अपने दर्शकों के पास जरूर पहुँचते हैं, और इसी हिसाब से भाई साहब के पास पहुँचे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी टोटल कितना के खरीदारी करे हो बेटे? हम अभी टोटल अब अनुमानित कीमत तो पता नहीं है भैया। तो एक के बाद वो कितने खरीदे? एक के बाद 2 ठुलाए रहे हूँ। 2 ठुलाए? हाँ, ओकर बाद एक आके ठुलाद गये ना, जिसे यदि खत्म हो जाए ना। हाँ, तो मोला तो अच्छा नहीं लगे कि कम हो थे। हाँ, तो फिर ले आऊ खरीद के। फिर ले आओ खरीद। हाँ, के। अच्छा, तुहर गाँव में चारा पानी किसान है? चारा पानी तो बढ़िया है भैया। चारा पानी बढ़िया। फिर तुहर गाँव में डॉक्टर टीका वगैरह लगाते? वो तो अब मतलब समझो कि मोला 2 साल हो गए पाले। हाँ, है ना, जब भी वो मतलब फोन करबे तो बोली कि टीका भी नहीं आया है। ए साल पीपीआर के लगे कि नहीं? हाँ, पूरा कंप्लीट है मोर में। नहीं, ए साल डॉक्टर लगे? कितने लगाए? मैं खुद खरीद के लगा रही हूँ। खुद खरीद के? सरकारी वाले पीपीआर के नहीं लगे? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, सरकारी वाला पीपीआर का महासमुंद क्षेत्र पे नहीं लगा है, रायतुम ये गाँव है, इस भाई साहब की बकरियों को नहीं लगा है। आपके गाँव में किसी को लगा? नहीं नहीं, और पता नहीं है भैया। जबकि इस साल छत्तीसगढ़ के ज्यादातर गांव पे पीपीआर का सरकारी टीका लगा है, और किस किस गांव पे नहीं लगा है वो भी कमेंट्स करके बताएं। अभी बहुत सारे गांव पे सरकारी टीका बकरियों को पीपीआर का कम से कम लगता है जी, है ना? तुम्हारा गांव नहीं है? नहीं है। ठीक है, इनका गांव नहीं है तो कहाँ है पशु चिकित्सालय? औषधालय? पशु चिकित्सालय यही है रायतुम में। चिकित्सालय की औषधालय है? ये औषधालय रायतुम में ही? रायतुम। फिर भी नहीं लगे? अच्छा, यहाँ पशु अस्पताल है फिर भी नहीं लगा? यहाँ डॉक्टर कभी उपलब्ध नहीं रहा है, मतलब अच्छा। वो इसे एक डॉक्टर है वो पूरा एरिया ला देखते। हाँ, बावन केरा ये साइड आसपास, जोरा तुरेंगा ये सब गांव एरियल देखते, अकेला है वो। हाँ, तो ओकर जो यहाँ जो अस्पतालय में जो लड़की रहते। हाँ, लेडीज। हाँ, ओला कुछ चीज के नॉलेज नहीं है। हाँ, वो बस वहाँ जिसे मान ले जाए बकरी ला दस्त हो गए और गोली लेबर गए तो डॉक्टर के पास फोन करी कि भैया ये फलाना आए हैं ये वाला दवाई मंगा थे करके। और कभी कभार ऐसे हो जाते कि फोन लगात लगात थक जब डॉक्टर नहीं आ पाए। एकरे वजह से ना कई ठुमरे हैं मोर। अच्छा, एकरे वजह से कई ठुमरे? हाँ ठीक है, तो वो तो चैनल देख के अब तो देख सीख गए थोड़ा मोड़ा। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी आते भैया।
जानकारी आ जाती है। अब कॉन्फिडेंस भी आगे हुई दो साल में। हाँ हाँ, दो साल में पूरा कॉन्फिडेंस आगे कि कैसे ही कर रख रखाव करना है, कब डिवार्मिंग करना है, है ना, कब का करना है, अब सब समझ आ गया। अब वो बाबा के साल से पाला थे, आता था तो साल भर हुई से, तो एकर पहली का करत रहे? एकर पहली का एक खेती खार किसानी करत रहे। का नाम है? दुर्जन। दुर्जन, अच्छा। खेती खेती बाड़ी कतका कन? एक डेढ़ एकड़ है। अच्छा, एक डेढ़ एकड़ है। तो एलके बजे इसके बजे तक रहा एला, एकर कोई मोर गारंटी नहीं आ, अभी घाम देने ना। ये तो एक आते दो बजे लिया था। दो बजे लिया था? हाँ। अच्छा, घाम दिन में दो बजे लिया था। हाँ, और ना शाम के उठिल था। अच्छा, शाम के उठिल था। हाँ। अच्छा, शाम के दो बजे उला देते हैं, मतलब कहने का मतलब है दो बजे अंदर कर देते हैं, फिर शाम को और छोड़ते हैं, फिर शाम तक चराते होंगे, चार एक बजे और छोड़ते होंगे, ऐसा ही है। चारा की तो कमी आपके गांव में है नहीं, है ना, सिर्फ वो इलाज वगैरह की कमी है। ठीक है, अच्छा। तो बकरी पालन से खुश है सर? अभी बेचे वगैरह हैं? अभी बेचे नहीं है? बेचे नहीं हो अभी, लूं बकरी और लेगा। अभी बेचे नहीं है और ली बकरी, ठीक है, अभी बेचे नहीं है। तो कोई दस्त वगैरह हो जाता है, देसी इलाज वगैरह भी करते हैं कि डॉक्टर का ही इलाज करते हैं पूरा? डॉक्टर बोला था ना, डॉक्टर बोला तो हाँ, तब यहाँ रहते थे, डॉक्टर नहीं आए। अच्छा, प्राइवेट बोला था। प्राइवेट बोला था? प्राइवेट में कहाँ साथ है? प्राइवेट में उल्बा से। उल्बा साथ कोलपद्दर है क्या? हाँ, उल्बा, उल्बा, उल्बा से, उल्बा। हाँ ठीक है, वो प्राइवेट वाले डॉक्टर आते। हाँ। तो वो करते वही पीपीआर के टीका लगाए? हाँ। अच्छा, बोला जिसे बिना उच्च का इलाज करते। अच्छा ठीक है, वो समय आते ना। हाँ। ओला में फोन करके बोल देता हूँ कि सर अब टाइम आ गया टीका पर, कैसे करबे? हाँ। तो बताइए कि देखूं राम प्रसाद अगर सरकारी में आ जाए तो ठीक। हाँ। तो फिर मैं बोले अभी पिछले साल की सरकारी वाला से मोला कोई उम्मीदें नहीं है सर। हाँ। जो भी पैसा लगी मोर से ले लेबे, दवाई लाके लगा देबे। हाँ। तो अपन खरीद के लाके लगा दी, जो पैसा बनी सोला देबे। अभी ईटी का भी लगवा लेना अभी ना। हाँ, कुछ दिन बाद ईटी का लगवा लेना, ठीक है ना। आप पीपीआर लगवा रहे हैं सब, ईटी का लगवा रहे हैं नहीं? ठीक है। तो एला कतका कतकम बेचते हो? एला जैसे हम देखा था तेल कतकम बेच बे? एला कम से कम 8,000। 8,000? 8,000। अच्छा, और इसका इसमें दूध की कमी होती है कि नहीं होती? इसका थन दिखा? नहीं नहीं, अभी दूध की कमी नहीं है, अभी दूध बढ़िया है। तो थनला दिखा ना, थनला कद एकर पिला है? एकर पिला है, वही है एकर पिला है। खस्सी रुक दिखाऊं? दिखाऊं धनंजय, रुक जा, पहले एकर दूध ला दिखाना। ये देख, ये ट्रांग उठाना, एक पैर उठाना, ये पैर उठाए। हाँ हाँ हाँ, देखो ये दूध की कमी नहीं होती इसमें। ले छोड़ दे भड़काते। हाँ ठीक है ठीक, ये हो गए। और इसी का पिला है ये वाला खस्सी? हाँ, ये खस्सी इसी का पिला है। तो ये खस्सी कितने में बेचोगे? 20,000। 20,000 में बेचेंगे इस खस्सी को, देसी का खस्सी है, है ना। तो बहुत डिमांड रहता है इधर तो, बसना साइड, पिथौरा साइड। अभी आए रही भैया खरीदार, समझे? 1,000 बार चल दी साठ के पीछे। अच्छा, वो 19 बोली समन 20 पाइप नहीं धन बोल 48-50 किलो है। अच्छा ठीक है। तो ते एकर से पहली का काम करत रहे? तिला से पहली मैं बस में कंडक्टरी करत रहे। इससे पहले बस में कंडक्टरी करते जी? वो कंडक्टरी क्यों छोड़ दी? एक कोरोना काल आई ना भैया। हाँ। वो समय सब गाड़ी घोड़ा बंद हो गए। हाँ। अब दो साल घर में खाली पीली बैठे भर हो गए। हाँ। तो फिर दिमाग में अचानक वीडियो देख के ख्याल है इसकी, नहीं महूल अभी बकरी पालन करना चाहिए। कई जन रोकिन टोकिन, फिर भी मैं काकरो नहीं सुने, मैं अपन मन के करे आज। हाँ, चरा तो हाँ। तो कंडक्टरी से काम कैसे लगते? कंडक्टरी से बहुत अच्छा लगते भैया। हाँ। बहुत अच्छा लगते, काबर की मैं काकरो वो मैं नहीं हूँ ना, बंधन में नहीं हूँ। हाँ। मैं अपन खुद के है। हाँ। है ना। हाँ। जब मर्जी है जिसे 12 बजे ले जाना है घर। हाँ। तो कोई पूछे की जरूरत नहीं है, लेके वो इला दे, ढीले मन लगे इससे ढील, नहीं तो फिर आराम करो घर में, आराम करो। हाँ ठीक है। अभी इसको कितने में बेचेंगे? ये कम से कम अभी जाही भैया 7,000। 7,000 का जाएगा, ठीक है, ये 7,000 का जाएगा। अच्छा तोर का लेकिन छेरी तिकर थन मन अच्छा बड़े बड़े है। जैसे ये वाला जरा दिखाओ धनंजय, ये वाला, ये जो जा रही है देसी की बकरियों का, यहाँ ये पीछे दिखाओ, पीछे दिख जाएगा। हाँ ये देख, इसका थन बहुत अच्छा है। दूध का कोई कमी नहीं है ना? दूध की कमी नहीं है भैया। वो शुरुआती दौर में ना जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना, तो एक वजह से ज्यादा बच्चा मन खत्म होती रही। अच्छा। और अभी दूध की मात्रा बढ़िया है, मान लो दलिया पिला था। अच्छा, एक टाइम जिसे अभी चर के जाही ना। हाँ। तो 1 किलो दलिया ला पानी में घोल के रख दे रहे थे। हाँ। ओला पीते आराम से। अच्छा। हाँ। एक तो सफेद वाला था, वो भी जरा मैं देखना चाहूंगा। एक सफेद होती रही इसका,
लाद भाई सफेद वाले ला, और एक ठन अभी लड़का दे रही इसका, ऐसे कुछ दिखा दे रही छोटे वाला, अभी आया ना पहली बार आए हो, कहाँ है? भी है। पकड़ तो पकड़ तो लेके पकड़ तो। ये देखो ये तो इसका बोकरा अलग था क्या? हाँ बोकरा अलग रही, बिहला खरीद के लाए रहे हम, बसना के रहे ना, तो मैं एक जन फार्म वाला से पहली बात कर रही हूँ, तो वो बोली अच्छा ब्रीडर रखो उसके हिसाब से ना, वो देसी में भी अच्छा अच्छा बच्चा देने लगेगी। हाँ, देखो ये देसी में क्रॉस ब्रीड हुआ है और इसका रिजल्ट देख सकते हैं जबरदस्त है। कतका दिन के भाई ये है? लगभग एक महीना होता ही काका, एक महीना होता ही, नीचे खड़े कर दो, ये देख नहीं होते, एक महीना नहीं होते, एक महीना नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। तुम चरा ला हो एक महीना, यार ढीला आ गए भैया, लड़का मन नहीं संभाले पैस। अच्छा हाँ, हाँ देखो कितना बड़ा है, ये क्रॉस का रिजल्ट है, देसी के जो अंजोरी बकरी है उस पे ये क्रॉस हुआ है, उसका रिजल्ट देख रहे हैं जबरदस्त है। ठीक है अभी वो सफेद वाले को जरा दिखा दो भाई, ये सफेद वाले को, हाँ ये तुम्हारा शेर घूम रहा है, ये किसी का हाथ नहीं आ रहा है, दिखा दे धनंजय, शेर का हाथ नहीं आ रहा है। ठीक है लाद भाई बोला चला, हाँ ये सफेद वाला कितने में बेचोगे? बकरी है ना? हाँ बकरी है। कितने में बेचोगे? बेचोगे तो नहीं मन के रहते हैं भैया, 5,000-7,000, 7,000 के लगभग ये भी जाएगी। 7,000 और ये वाला? ये वाला भी जाएगी, उसने 7,000। 7,000 एकर पीला है। ठीक है बकरा भी है। अच्छा क्रॉस ब्रीड में क्यों हुआ? क्रॉस ब्रीड के हुआ। हाँ ठीक है, और ये जो बकरी जा रही है ये है ओकरे हरे काका के, ओकर पिलाए हरे, ओकर पिलाए हरे। कत कम बेचबे माइला? वही 8,000। 8,000 हाँ ठीक है, और एक बड़ा थन वाला वो दिख रहा है धनंजय, जरा करीब से जाके दिखाना उसको। हाँ उसको कितने में बेचोगे? वो जो बड़ा थन वाला दिख रहा है तो दिया जो शुरुआत में बताया ना, हाँ वही मई हरे जो खस्सी है ना, ओकरे मई हरे बड़े थन वाली है। ये दे वाली ये दे दिखा धनंजय, दे हाँ यही है, इधर दिखाई दे दे, एक अले थन बने दिखी से, हाँ ये ठीक है, वो खस्सी माई यही है दिखा रहे हैं ना। ठीक है तो ये तरीका से है, और ये छोटे मन लगा कम बेच बे करिया मन लगा करिए जाते मन ये करिया मन है। हाँ ये मन चल रही हुई 4,000-3,500-4,000 में। अच्छा मतलब 5 से 8 बड़ी बकरियां हैं और एकदम छोटी जो होंगी वो 3.5-4 ऐसा है ना, और खस्सी हो जाएगा तो 15 और 20 है। हाँ, ये रेट इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है यहाँ तो बहुत डिमांड रहता है बसना पिथौरा एरिया पे, मतलब छत्तीसगढ़ उधर की पूरी बकरियां यही चाहती है। लेकिन चराई की कोई समस्या नहीं है, समस्या इलाज को लेकर है, ये इस क्षेत्र का प्रॉब्लम है। और ये हम वीडियो आपको रायतुम से दिखा रहे थे, और छत्तीसगढ़ में बाकी जगह से जो हमें देख रहे हैं या देश के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुझे कंफर्म है कि टीका जो है लगा है इस साल, और लेकिन कहां कहां नहीं लगा है पीपीआर का टीका कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।